तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही सिस्टम चालू होता है तो ये एरर आता है देखिए डिटेक्ट हार्ड डिस्क प्रॉब्लम तो यहाँ पे देखिए ये अगर आपके सिस्टम में आता है स्टार्ट बैकअप प्रोसेस या तो आस्क मी अगेन लेटर तो ये ऑप्शन दो ऑप्शन दिखा रहा है तो जब भी ये मैसेज आता है तो इसका मतलब हार्डवेयर का इशू है आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम होगा तो या तो कोई भी हार्ड डिस्क रिलेटेड है तो याद देखिए विंडो डिटेक्टर हार्ड डिस्क प्रॉब्लम हार्ड डिस्क में कुछ भी एरर है क्योंकि हार्ड डिस्क में ये तो सिस्टम ये सारा चीज है इंस्टॉल फिर भी उसमें कुछ हार्डवेयर इशू है जिसके वजह से विंडोज को लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है तो जब भी आप इस सिस्टम स्टार्ट करेंगे और कुछ काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम आता है इसके लिए आता है कि इसमें कुछ इशू है चलने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये मैसेज आएगा तो बार बार बीच में आता है तो इसको बंद करना है तो आपको ये मैसेज को जो बार बार डिस्प्ले आता है आपको काम करने में रुकावट होती है तो इसको मैसेज नहीं आना है उसको हम लोग कैसे बंद करेंगे ताकि आप अपना काम कर सको और फ्रेंड ये बंद करने से आपका हार्ड डिस्क ओके नहीं होगा ये मैसेज सिर्फ बंद हो जाएगा आपको बार बार डिस्प्ले दि, नहीं आएगा तो हमारा ये एडवाइस है अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके हार्ड डिस्क में आ रहा है तो आपको हार्ड डिस्क ही बदल देना है आपको मैसेज बदलने से हार्ड डिस्क नहीं क्योंकि इसमें डेटा बाद में जा भी सकता है तो हम लोग ये मैसेज को कैसे बंद करना है बार बार आपके काम में आता है तो यही देखने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे रन करते हैं यहाँ पे स्टार्ट प्रेस करके आर दबाना है तो यहाँ पे लिखना है जी पी एडिट ये है ग्रुप पॉलिसी को हम लोग एडिट करते हैं यहाँ पे एम एस सी करना ये ग्रुप पॉलिसी का कमांड है तो यहाँ पे तो ये ग्रुप पॉलिसी हम लोग एडिट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रुप पॉलिसी है लोकल कंप्यूटर पॉलिसी है तो यहाँ पे आप इसके जरिए आप ग्रुप पॉलिसी एडिट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए तो आपको ये लोकल कंप्यूटर पॉलिसी है इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फिर सिस्टम को क्लिक करना है यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड सिस्टम पे क्लिक करना है फिर इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रबल शूटिंग एंड डायग्नोस्टिक पे क्लिक करना है तो इसके अंदर जाना है आपको क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग का ही प्रॉब्लम है मतलब वो दिखाता है इसके बाद क्योंकि डिस्क का एरर है तो हम लोग इसके अंदर डिस्क डायग्नोस्टिक पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डिस्क डायग्नोस्टिक कॉन्फिगर कस्टम अलर्ट टेक्स्ट है और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है डिस्क डायग्नोस्टिक कॉन्फ़िगर एग्जीक्यूटिव लेवल तो ये सेकेंड ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे आप इस तरह तो ये देखिए यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए नॉट कॉन्फ़िगर है तो फ्रेंड यहाँ पे हमको डिसेबल पे क्लिक करना है तो disable पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है यहाँ पे ओके okay पे तो याद रखिए फ्रेंड ये हम लोग ने यहाँ पे group policy में ये सेटिंग की है तो ये हमारा मैसेज है तो इसको ग्रुप पॉलिसी को हम लोग जो सेटिंग है यहाँ पे बंद करेंगे ये मैसेज है इसको भी बंद करके हमको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे जाके रिस्टार्ट करना है तो ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि मैसेज आता है कि नहीं तो ये हम लोग वीडियो को पॉज करते हैं और सिस्टम रीस्टार्ट करके देखते हैं फ्रेंड वेलकम स्क्रीन आ गया तो देखिए यहाँ पे ये हमारा डेस्कटॉप आ गया है तो आप देख रहे हैं तो वो मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो आपने ये रन करके आपने ग्रुप पॉलिसी में आपने सिर्फ आप ये मैसेज डिसेबल किया है आपका हार्ड डिस्क सेम वैसा ही आपका हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम जो पहले का प्रॉब्लम है वो है तो आपने सिर्फ मैसेज डिसेबल किया है पर आप अगर इस पर डेटा रखते हैं तो कभी भी जाने के चांसेस है तो आप वही डेटा रखेंगे जो आपको यूजफुल नहीं है आप टेम्परे काम कर सकते हैं इनकेस कभी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं फिर से पर सिर्फ आप मैसेज ने बंद किए तो मुझे आशा है अभी ये मैसेज बार बार आएगा नहीं और आज के लिए इतना ही हमारे सोनाटेक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ये चैनल को आप देखें आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच